आज हमने ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे, ऐसे इसका डिजाइन अलग है। ये देखिए दोनों डिजाइन अलग हैं। पहले हमने ऐसा बनाया था, ये देखिए ये ऐसा बनाया था। इसका डिजाइन धागे खींचने वाला था, ये देखिए ये धागा खींचने वाला डिजाइन था, तो ऐसे इकट्ठा हो गया। और अब हम इसमें ये बनाएंगे, ये डिजाइन देखिए बराबर आ रहा है, जैसे इसकी प्लेट ऐसे प्रेस जैसी ऐसे बैठ रही है, ये देखिए। और ये डिजाइन, ये हमारा बड़ा क्वेश्चन है। 1.5 मीटर में ये इतना बड़ा बन जाता है और 1.5 मीटर में ये छोटे बनते हैं। उसका डिजाइन छोटा होगा तो वह थोड़ा सिकुड़ जाता है डिजाइन में, ये देखिए। ये हमारा 1.5 मीटर कपड़ा था, एक पीस इसमें बन गया, दूसरे के लिए ये हमारा कपड़ा है, ये हमारा कपड़ा है दूसरे के लिए। 1.5 मीटर में हम दोनों बीच में से हाफ हाफ किया, तो एक तो क्वेश्चन ये बन गया, ये बड़ा साइज है। अब हम बनाएंगे इससे छोटा साइज। इसका डिजाइन बनाया है एक एक इंच के ऊपर, ये डाला है डिजाइन। अब हम दूसरा बनाएंगे इससे छोटा, ये देखिए ये बड़ा डिजाइन है। और ये प्लेट इतनी अच्छी आएंगी, देखिए इसमें इतनी प्लेट दूसरे बनाया था हमने धागा खींचने वाले में, ऐसी प्लेट नहीं आती हैं। अब हम इसमें ये देखिए बड़ा डिजाइन है, तो इसमें थोड़ा ये बड़ा दिखाई दे रहा है। अब हम इसमें छोटा, इसी का हाफ है ये कपड़ा, ये देखिए 1.5 में से हम, ये 1.5 मीटर कपड़ा था, तो इसकी लंबाई तो जितनी 1.5 मीटर है उतनी लंबाई रहेगी। और बीच से हमें कट कर लिया, यहाँ से हमने बीच से हमें आधा पीस कट किया, उसका हम ये बनाया है। और आधा पीस में ये बनाएंगे हम, तो इसको हम, इसका हम छोटा डिजाइन डाल लेंगे, ये हमने बड़ा डाला है तो हम इस पर छोटा डिजाइन समझाएंगे। बड़ा का इसका एक एक बॉक्स से ये बॉक्स बनाए हैं, एक एक इंच पर बनाए हैं, इसका हम बनाएंगे हाफ हाफ इंच पर। तो ये सबसे पहले हमें इसको उल्टा रखना है, उल्टी साइज हम इसको रखेंगे, ये देखिए कपड़े को हम उल्टा रखेंगे। कपड़ा हमारा 1.5 मीटर रहेगा और इसको आधा पीस हमें बीच से कट करके आधा पीस में एक बना दिया, हर आधा पीस हमारा बचा हुआ है। अब ये बचा हुआ है लंबाई में नहीं कट करना है आपको, ये चौड़ाई की तरफ इसका पन्ना होता है उस तरफ से हम आधा पीस कट करते हैं। कट कर लिया, एक बना दिया। अब हम इसमें, ये हमारा पीस है, आपको नाप करके बताते हैं इसका, इसकी जैसे चौड़ाई रहेगी ये 24 है, चौड़ाई हम इसकी 24 है, तो इसमें आधा पीस हमें कट कर लिया 24 का, और उसका हमने ये बढ़ा दिया। लंबाई इसकी है, यहाँ से लेके और हम लंबाई नापेंगे, ये देखिए ये 56 इंच है, इसकी लंबाई 56 है और चौड़ाई इसकी 24 है। 24 में से 24 हम इसे निकाल के एक पीस बना दिया। अब हम इसमें निशान लगाएंगे, तो देखिए हम इसको लंबा ऐसे रखेंगे और उल्टी साइज रखेंगे, ये देखिए। ये उल्टी साइज रख के और 1.5 इंच, ये 2.5 इंच उल्टी साइज रख के और ये 2.5 इंच हमने यहाँ शुरू से निशान लगाना है, ये 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे हम शुरू वाला। उसके बाद हम लगाएंगे 3.5 पे और फिर हम लगाएंगे 2.5 इंच पे, 2.5 और ये 3.5। पहले हमने 2.5 लगाया, 3.5 लगाया, फिर 2.5 लगाया। अब हम इस साइड से इसको हम ऐसे लंबा निशान लगा देंगे,
पहले अब इस साइड से भी वही 2.5 इंच लेना है, 2.5। ये देख, फिर इसमें 3.5 3.5 इंच बीच वाला बॉक्स 3.5 इंच का, और फिर 2.5 इंच पे 2.5 फिर। ये हमारा बीच का बॉक्स बचा है, उसको हम नापेंगे। ये हमारा 6 इंच का हो गया, जो लड्डू वाला बॉक्स है ये हमारा 6 इंच का हो गया। ये देखिए, ये हमारा 2.5 इंच का शुरू से लेके 2.5 इंच का, फिर ये 3.5 इंच का, फिर 2.5 इंच का, फिर इस साइड से भी 2.5 इंच का, 3.5 इंच का, और फिर 2.5 इंच का, 2.5, 3.5, 2.5, और फिर ये बीच में 6 इंच का जो लड्डू बनेंगे, ये हमारा बीच का 6 इंच का, ये 6 इंच का। अब हम इसमें लंबा निशान लगाएंगे, ये लंबा ऐसे लाइन लगाएंगे, ऐसे लगा लगा के, और हम लंबी लाइन मारते हैं। उसके बाद इसमें बीच में डिजाइन वाली जो ये 3.5 इंच का लगाया है, इसके बीच में हम 5 बॉक्स बनाएंगे, 1/2 इंच का गैप देके 5 बॉक्स बनाएंगे, और ये 2.5 इंच का हम साइड में छोड़ देंगे। तो ये देखिए, अब हम इसको आपको लिख के दिखा देते हैं। देखिए 2.5 इंच, 3.5 और 2.5, ऐसे हम लंबी लाइन लगाते हैं दोनों के, इस साइड के भी और इस साइड के भी। ये देखिए, ये निशान लगा दिया हमने, ये 2.5 इंच का, ये 3.5 इंच का, ये 2.5 इंच का, और फिर हम ये इस साइड में भी, इस साइड में भी ये 2.5 इंच का, ये 3.5 इंच का, और ये 2.5 इंच का। ये बीच में जगह बची है, ये बची हमारी 6 इंच की, ये लड्डू के लिए 6 इंच की से। और जो हमें ये निशान आप जैसे यह 1/2 इंच पर लगाया है, ये सिलाई के लिए, जो साइड की सिलाई आएगी उसके लिए। अब हमें जो 3.5 इंच का बॉक्स है, जो 3.5 इंच का बॉक्स है, इसमें हम 5 बॉक्स बनाएंगे 1/2 इंच पर। जैसे बड़े वाले में हमने 1-1 इंच पर बढ़ाते हैं, और छोटे वाले में, बड़े वाले में 1 इंच पर बढ़ाएंगे इसमें बॉक्स, और छोटे वाले में 1 से 1/2 इंच। ये देखिए, 1/2 इंच पर हम 5 बॉक्स बना देंगे। ये देखिए, ये हम 1/2 इंच पर ये 5 बॉक्स के अंदर बना लेंगे। तो 3.5 इंच का है, उसके अंदर हम 5 बॉक्स बना लेंगे, और इस साइड में भी, ये दूसरी साइड में भी 3.5 इंच का है, इसमें भी हम 1/2 इंच पर 5 बॉक्स बना के, और सीधी लाइन लगाएंगे, सीधी लाइन लगाएंगे इसमें। तो इसमें इस 3.5 इंच का हम 1/2 इंच का बॉक्स बनाते हैं, और इस साइड में 3.5 इंच का 1/2 इंच का बॉक्स लंबी लाइन लगाते हैं। ये देखिए, इसमें 3.5 में ऐसे लंबी लाइन लगा दिया, और इस जो 3.5 इंच का बॉक्स का था, 3.5 इंच का था ये, इसमें हम लंबी 5 बॉक्स बना दिए। ये देखिए, और ये लंबी ऐसे पूरे में लाइन लगा दी, और ये हमने लड्डू वाला छोड़ दिया है। लड्डू वाले में हम 2.5 इंच पे लगाएंगे।
इसमें आप 3-3 इंच पे भी लगा सकते हैं, आपको छोटे लड्डू करना है तो 2.5-2.5 इंच पे लगा सकते हैं। देखिए लड्डू वाले हमें ऐसे ऐसे करके पूरे में निशान लगाते हैं 3-3 इंच पे, और ये हम 5 बॉक्स बना दिए 1/2-1/2 इंच पे। ये देखिए अभी लंबी ऐसे लड्डू के लिए लंबी लाइन लगाते हैं, और उसके बाद लड्डू का लाइन लगाने के बाद हम 1/2-1/2 इंच का ऐसे लगाएंगे, जैसे तिरछी लाइन लगाएंगे ऐसे। ऐसे तिरछी लाइन लगाएंगे 1/2-1/2 इंच की तिरछी लाइन ऐसे ऐसे लगाएंगे। पहले लंबी लगाई है, अब ऐसे टेढ़ी लगाएंगे, और ये लड्डू का हम 3-3 इंच पर निशान लगाएंगे। तो ये पूरा करते हैं, ये सब निशान ऐसे टेढ़े भी लगा लिए, सीधे भी लगा लिए। अब हम इसमें ऐसे कट वाले निशान ऐसे लगाएंगे, एक बॉक्स बीच में छोड़ देंगे, 5 बॉक्स हैं, एक बॉक्स बीच में छोड़ेंगे, 2 बॉक्स दोनों साइड में हैं, इनमें हम निशान लगाएंगे। एक का इस साइड मूव करेंगे और इस वाले का इस साइड मूव करेंगे, जैसे हमने पहले लगाए थे। अब एक हम इसमें छोड़ देंगे, इसमें निशान लगा दिया फर्स्ट वाले में, दूसरा हम छोड़ेंगे, तीसरे में ऐसे लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे, इसमें भी या ये छोड़ देंगे, ये तीसरे में ऐसे लगाएंगे। ये सब अब इसमें छोड़ देंगे और इसमें लगाएंगे, एक छोड़ देंगे फिर ये इसमें ऐसे लगाएंगे। ये देखिए एक का मुँह ऐसे किया, इस खाने में ऐसे निशान लगा दिया, दूसरे में इस साइड में कर दिया, इसके सामने ये छोड़ दिया, और फिर अगले वाले में ऐसे लगा दिया, इसके सामने ये छोड़ दिया, अगले वाले में ऐसे लगा दिया, इसके सामने जो लगाया इसके सामने ये छोड़ दिया और इसमें ऐसे लगा दिया, इसके जो लगाए उसके सामने एक छोड़ना है और आगे से एक निशान लगा, एक का मुँह ऐसे करना है, एक का मुँह ऐसे करना है, सभी हम ऐसे लगाए। देखिए पहले हमने ऐसे लगाया है, फिर दूसरे में ऐसे लगाया है, एक बॉक्स है इसमें हम ऐसे ऐसे लगाते गए हैं, और यह साइड वाला है इसमें ऐसे ऐसे एक एक छोड़ के इसमें लगा दिया, ये छोड़ दिया, इसमें लगा दिया, ये छोड़ दिया, इसमें लगा दिया। तो ये हम पूरा ऐसे ही लगाए हैं। देखिए एक एक फर्स्ट में लगाया तो दूसरा छोटा इसके सामने वाला, और फिर अगले में ऐसे लगा दिया, एक का मुँह ऐसे है, एक का मुँह ऐसे। देखिए पूरा हम ये निशान पूरा करते हैं दोनों साइड के, उसके बाद कैसे सिलाई होगा वो बताएंगे। ये पूरे निशान लगा लिए हमने, ये देखिए ऐसे शुरू में ऐसे लगाया, इसके सामने वाला बॉक्स छोड़ दिया, अगले में ऐसे लगाया, सभी में एक छोड़ के एक ऐसे ऐसे करके लगाए हैं। इस वाले में, इस वाले में हम ऐसे लगाया, ये देखिए ऐसे लगाया, इसके सामने वाला छोड़ दिया, इसमें ऐसे लगाया, बीच का बॉक्स में हम कुछ निशान नहीं लगाएंगे, ऐसे छोड़ेंगे, फिर साइड वाले में ऐसे लगाया है, फिर ऐसे ऐसे एक का मुँह ऐसे ऐसे करते गए, एक का एक छोड़ के ऐसे ऐसे लगाते गए। अब हम इसे सिलाई कैसे करना है, ऐसे सुई लेनी है, सुई में धागा चौकोन में ऐसे मोटा करके बोना है, तो आप मोटा धागा भी ले सकते हैं ऐसा ही कलर का, और नहीं तो इसको चौकोन फोल्ड करके और इसको इसमें नोट लगा लें, फिर ऐसे जैसे ये निशान लगाया है इसमें ऐसे डालना है, ऐसे डालना है, और यहाँ निशान को ख़त्म किया है वहाँ से भी ऐसे डालना है, ऐसे डाल के और इसको
ऐसे खींच के नोट लगानी है एक एक में। देखिए अब ये नोट लगाने के बाद ये निशान है, इसमें थोड़ा ऐसे यहाँ से यहाँ तक ऐसे धागा ले आना है और ऐसे कपड़ा लेके ऐसे लेके कपड़ा और फिर इसमें आगे वाले में निशान ख़त्म हुआ है उसका भी थोड़ा सा कपड़ा लेके और ऐसे सुई में और फिर हम खींच के इसको भी नोट लगा देंगे ऐसे। अब ये हर जो निशान है उसमें नोट लगेगी। ऐसे इसको ऐसे नोट लगाते हैं। ऐसे नोट लगाते हैं फिर इसमें सुई लेंगे इसमें लेंगे इसकी नोट लगाते हैं फिर आगे वाले में जैसे इसमें लेंगे और इसमें लेंगे इसकी नोट लगाते हैं। ऐसे नोट लगाते लगाते पूरा ये सब में हार में धागा तोड़ना भी नहीं, यहाँ से यहाँ तक ऐसे खींच के ये नोट लगानी है फिर आगे वाले में ऐसे इसमें नोट लगानी है, ऐसे सभी को ऐसे एक एक नोट लगानी है। उसमें हम धागा पहले बनाया था एक क्वेश्चन उसमें हमने धागा खींचा था, इसमें हमें नोट लगानी है सभी में, यहाँ से यहाँ तक ऐसे सुई में कपड़ा ऐसे लेना है और इसका लेना है और फिर बीच में ऐसे खींच के नोट लगानी है। तो ये देखिए सभी को इसमें लगा दिया, अब आगे वाले में ऐसे लेंगे ऐसे लेंगे और फिर हम इसमें लेंगे ऐसे लिया और इसको थोड़ा ऐसे खींचा ये इकट्ठा हो गया और फिर यहाँ हम इसको बांध देंगे जैसे नोट लगाते हैं ऐसे सुई से खींच के ऐसे टाइट करके और ऐसे नोट लगाते ऐसे ऊपर से ऐसे घुमा के और ये नोट लग जाएगी। ये देखिए फिर इसमें आ जाएंगे फिर ये ऐसे दूसरा खाना है इसमें भी हम ऐसे नोट लगाते लगाते पूरे में इस साइड में भी ऐसे लगाएंगे और इस साइड में भी ऐसे लगाएंगे। ये लगाने के बाद फिर हम लड्डू का यहाँ से करने के बाद लड्डू का हम ऐसे पहले भी हम वीडियो में बताया है ऐसे ऐसे करना है और फिर खींच के बांधना है। ये ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे लेना है ये लेके और फिर हम इसको ऐसे खींच के और यहाँ बांधना है। ऐसे खींच के और यहाँ बांध देना है। ये सभी लड्डू ऐसे ही करने हैं, यहाँ नोट लगा के यहाँ टाइट बांधने ये बांधने हैं और इनको सबको एक एक के निशान पे नोट लगानी है। तो ये सब पूरा करते हैं हम। ये देखिए सभी को ऐसे ही नोट लगा लगा के ये देखिए सबको नोट लगा लगा के हमें ये बांध दिया और बांध के और ये देखिए लड्डू का भी हम ऐसे सबको ऐसे नोट लगा लगा के और सबको लड्डू जैसे ऐसे बढ़ा दिए सबको ऐसे। अब हम देखिए ऐसे इस साइड में ऐसी डिजाइन आई है ये बहुत ही सुंदर लगती है। हमने बड़े वाले में एक एक इंच पर लगाया था इसमें हाफ हाफ इंच पर लगाया था तो ऐसी डिजाइन आई है और ये लड्डू की ऐसे आई है। अब हम लड्डू में कपास भरेंगे और फिर हम इसमें ये देखिए ऐसी डिजाइन आई देखिए ऐसी डिजाइन लगेगी और ये लड्डू में पहले कपास भरेंगे और फिर उसको बांध देंगे उसके बाद हम इसमें ऐसे प्लेट डालेंगे ऐसे जैसे हमने आपको दिखाया था ये प्लेट डाल रखी है। ये देखिए ऐसे प्लेट डालेंगे ये साइड वाली सब बराबर आएंगे ऐसे
ये कपास भरेंगे, उसके बाद हम ये प्लेट डाल लेंगे और फिर इसमें पूरे में कपास भर देंगे। एक एक प्लेट डाल लेंगे और सिलाई करते रहेंगे ऐसे। जैसे हम लहंगे में डालते हैं ऐसे प्लेट डालते हैं, ऐसे बराबर बराबर। उससे पहले हम इसमें कपास भरेंगे, लड्डू के कपास ऐसे भरेंगे। ये कपास हमारी टेढ़ी बेराड़ी और इसमें ऐसे भर देंगे। ऐसे भर के और एक सिलाई यहाँ लगा देंगे, ऐसे भर के और एक सिलाई ऐसे लगाएंगे। ऐसे वो हम इसका बांध देंगे, एक सिलाई करके बांध देंगे। ऐसे हो जाएगा, ये लड्डू हमारा ऐसे भरेंगे। ऐसे सभी में कपास भरते हैं। ये लड्डू भर लिए, ये साइड का लड्डू है। ये हम ये सिलाई करने के बाद हम ये लड्डू लास्ट में भरेंगे और ये पूरे लड्डू भर लिए। अब हम इसमें ये साइड का सिलाई है, इसमें हम ऐसे प्लेट डालेंगे और सिलाई करेंगे। ऐसे प्लेट डालेंगे, ऐसे प्लेट डाल डाल के और ऐसे सिलाई कर देंगे, पूरा इकट्ठा कर देंगे हम। फिर अगली प्लेट डालेंगे, फिर सुई से ऐसे सिलाई कर देंगे। ऐसे हम सब प्लेट डाल डाल के ऐसे ऐसे सुई से सिलाई करते रहेंगे और प्लेट डालते रहेंगे। ऐसे ऐसे प्लेट आएंगे, जैसे हमने ये दिखाया था आपको बड़े वाला, ऐसे इसकी प्लेट है। ऐसे प्लेट डालेंगे इसका, ये देखिए सभी प्लेट डाली है, फिर बाद में ये बटन लगाया है। तो ये पूरी प्लेट डाल देंगे हम और इसके बाद में हम बटन लगाएंगे। सभी को ऐसे ही ऐसे करना है, फिर सुई से सिलाई करना है। अगले वाली ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है और सुई से सिलाई करना है। ऐसे प्लेट डालेंगे, सबको हम ऐसे प्लेट डालेंगे, इस साइड की भी इस साइड की भी, और कच्चा सुई से सिलाई करेंगे। ऐसे आएगा प्लेट पूरी आएंगे तो ये बराबर ऐसे आ जाएगा। तो ये ऐसे ही हम दोनों साइड की प्लेट डालते हैं। ये देखिए इसके लड्डू सब भर दिए और ये हमें प्लेट डाल के, ये देखिए ये प्लेट डाल के और हमें इसको पूरे को ऐसे कवर कर दिया। अब हम ये इतना होल रखा है ये जिसे भरने के बाद कपास, और इसमें जैसे बटन लगेगा तो ये बंद हो जाएगा। ये प्लेट ऐसे आएगी, सब एक एक करके ऐसे खींचेगा और ऐसे प्लेट आएगी। तो अब हम इसमें ये साइड की सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद एक साइड से हम बंद कर देंगे बटन लगा के, और फिर एक साइड से हम इसमें कपास भर लेंगे। ये साइड की सिलाई लगा के और एक साइड से हम इसमें कपास भर के इसको भी बंद कर देंगे, और फिर ये जगह है ये है इसमें हम बटन लगा देंगे। तो हम एक ये सिलाई करते हैं साइड की, और उसके बाद हम
कपास भर के और फिर हम दोनों साइड से ये कवर करते हैं वो बटन लगा के, फिर हम एक साइड से कवर करके फिर सीधा करके फिर इसमें कपास भरेंगे। ये देखिए इस साइड ये बटन लगा दिया हमने, अब इस साइड में हमें लगाना है। तो ये देखिए वो इसमें कपास भर के हरी प्लेट सब एक बराबर करके ऐसे, और देखिए ये बटन, ये दूसरा हमें लगाना है, ये ऐसे लगाना है। पहले हमने इस बटन का ऐसे कवर बनाना है, ये बटन है इसको ऐसे कवर बना लेंगे, उसके बाद इसमें बटन रख के तो देखिए कवर कैसे बनाना है। ऐसे चार तरफ हम इसको ऐसे सिलाई करेंगे, ऐसे चारों तरफ सिलाई करेंगे। हमने चारों तरफ ऐसे सिलाई किया, देखिए ये सिलाई किया कच्चा। अब इसके अंदर हम ये बटन है हमारी, जैसे इसके ऊपर हम थोड़ा सा एक कपास रखेंगे, इसको प्लेन नहीं दिखाई दे, एक कपास ऐसे रख दिया और इस बटन को हम ऐसे उल्टा कर देंगे, ऐसे उल्टा करके और धागे को खींच लेंगे ऐसे, ये खींच लिया और ये हमारा कवर हो गया ये बटन। अब हम इसको इस साइड में लगा देंगे, सुई में धागा है। अब हम इसको, कपड़ा ज़्यादा है तो आप इसको कटिंग करके और फिर हम इसको ऐसे यहाँ लगाते हैं, यहाँ लगाएंगे ऐसे लगा के और चारों तरफ ऐसे थोड़े थोड़े कपड़ा लेके सिलाई करके इसको टाइट कर देंगे। तो ये हम ऐसे थोड़ा कपड़ा नीचे से लेंगे, थोड़ा बटन वाले से लेंगे और फिर हम इसको टाइट कर देंगे सिलाई करके। तो हम इसको सिलाई करते हैं, फिर ये हमारा कुशन तैयार हो जाएगा। ऐसे पूरा चारों तरफ सिलाई करना है। ये देखिए ये बटन लग गया इस साइड का भी और इस साइड का भी। ये हमारा छोटा डिजाइन है और इसमें हम ये बड़ा डिजाइन है, ये हमारे क्वेश्चन तैयार हो गया, एक छोटा और बड़ा।